हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट से संबंधित मैं डेली आपके लिए 3 क्लासेस लाता रहता हूं। तो आज की दोस्तों ये पहली क्लास है, सुबह 8 बजे की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग 1 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बाल पर्यावरण अध्ययन यूपी टेट 2017 का पेपर डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट करके कहा ये सीरीज़ पूरी करा दीजिए, तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए यूपी टीईटी 2017 का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर लेकर आए हैं। पूरे 30 क्वेश्चंस हैं, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, सभी चीज़ें आज का पेपर देख के आपको पता लग जाएगा। बहुत इजी पेपर आया था और जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा पेपर उतने में से ही है, तो कम से कम 25 नंबर तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि 25 तो आने ही चाहिए। जिसने मेरी शुरू से पूरी क्लासेस ली हैं उसके कम से कम 25 अंक तो आने चाहिए, इतना मान के चलिए आप लोग। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इसका जो पिछला पार्ट था पर्यावरण अध्ययन का, उसे भी जरूर देखिएगा और देखिए उसमें कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, यानी कि सीखने की वह अवधि जिसमें कि सीखने की प्रक्रिया एकदम रुक जाती है, उसमें कोई भी उन्नति या कोई उसमें प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलती है, तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। 3 से 4 सेकेंड का समय आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन देखिए लिखा है, सीखने का पठार। हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जब सीखने की प्रक्रिया एकदम रुक जाती है, ये वाला एरिया, कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, तो उसे सीखने का पठार कहा जाता है। दोस्तों, इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। इसमें आपको बताना है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जल्दी से आंसर करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आईक्यू निकालने का जो सूत्र होता है उसका मान आपको बताना कौन सा सूत्र सही है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, किसी में भी आपको 100 तो दिख नहीं रहा है, एक में ही दिख रहा है और इतना तो आपको मालूम ही होगा कि 100 से गुणा किया जाता, भले ही कुछ ना मालूम हो, कन्फ्यूज़ हो कि ऊपर क्या रहता है नीचे क्या रहता है, लेकिन 100 तो दिया है ना एक में ही, तो बस सी नंबर ऑप्शन सही हो गया आपका। वैसे ऊपर होता है मानसिक आयु, नीचे होता है वास्तविक आयु और इसमें 100 का गुणा कर दिया जाता है, ये आपका आईक्यू का फॉर्मूला होता है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, हमने आपको जितने बार भी ये क्वेश्चन पढ़ाया है, हर बार आप लोग सोचते होंगे कि बोर हो गए क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन 100% मानिए, लगभग अगर आप सभी पेपर उठाकर देख लें तो लगभग 4 से 5 बार यही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। और हमने एक दूसरी चीज़ आपको और बताई थी कि सीटेट में जैसे पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही यूपी टेट में थॉर्नडाइक और स्किनर, पावलक ये पूछे जाते हैं, ये तीनों इसकी आधार सिला और लगभग 5 क्वेश्चन आपको इन तीनों से ही संबंधित मिलेंगे। तो सभी को मालूम होगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। 4 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, जोड़े पूछे गए यानी कि पेयर कितने होते हैं, जीन्स के पेयर कितने होते हैं, जीन्स को गुणसूत्र कहा जाता है। तो 4th नंबर क्वेश्चन है, आपने पढ़े होंगे कि मानव शरीर में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अब 46 आपने पढ़े हैं लेकिन यहाँ पूछ दिए गए जोड़े, यानी कि 1 के साथ 2 जोड़ दिए गए, जोड़े में ही हमेशा होते हैं ये, यानी कि 23 दूनी 46 होते हैं, तो गुणसूत्र के जो जोड़े बनकर आए वो 23 बन के आए, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, किससे संबंधित है, सभी को मालूम होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने दिया था दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का लगभग सही होगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं। देखिए एक एक करके पढ़ते रहिए, आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो कोहलर ने सिद्धांत दिया था, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सीखने का सिद्धांत दिया था, तो देखिए अभिप्रेरणा का तो दिया नहीं था, विकास का भी नहीं दिया था, व्यक्तित्व का भी नहीं दिया था, तो ये तीनों ऊपर वाले कट गए, बचा कौन सा आपका, अधिगम का सिद्धांत, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन हैं। देखिए हिंदी में दे दिया गया है, आपने पढ़ा होगा तरल ठोस सिद्धांत, क्रिस्टलाइजेशन मॉडल, और इसमें क्या दे दिया गया, तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान, इसके प्रतिपादक कौन हैं। आपने पढ़ा था तरल ठोस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आर वी कैटल,
तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कैटल, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कॉपी पेन लेकर बैठते रहिए जहाँ गलती लग रही हो। अभी तक आपके 7 क्वेश्चन हो गए, एक भी आपको टफ लगा होगा तो आप समझ लीजिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है बाल विकास की, और लगभग मैं ही 8 से 10 बार आपको ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, और ये पेपर भी 2017 का, इसके पहले भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ, लेकिन आप लोगों के काफ़ी मैसेज आ रहे थे। इसके बाद मैंने भी सोचा कि 20 मिनट में अगर आपका पुराना पेपर रिवाइज हो जाता है एक बार, तो आपके लिए थोड़ा आगे मदद ही करेगा, इस वजह से लेकर आए हैं। आगे भी इसी तरह के पेपर, ये पूरा एक अलग से प्लेलिस्ट बनाए दे रहे हैं जिसमें आपके सभी पिछले पेपर एक एक करके सॉल्व कराए दे रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए अधिक से अधिक शेयर करना और कमेंट करके बताते रहना है। अगला 8th नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके सुधार में किया जाता है, साफ साफ आपको दे दिया गया मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, तो ये किससे संबंधित होगा, सीधी सी बात है दिमाग से संबंधित होगा। दिमाग इसमें कहाँ आ रहा, सी नंबर ऑप्शन है सृजनात्मकता, सृजनात्मकता से संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है, यानी कि मस्तिष्क पर जब आप अपने दिमाग से कुछ उद्वेलन का मतलब होता है एकदम उलट फेर कर देना, घुमावदार या अपना अधिक दिमाग लगाना, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोल मैन निम्न में से किससे संबंधित हैं। देखिए आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर बार ऐसे मिलते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उसमें भी 2-3 क्वेश्चन तो मैं ऐसा कुछ पढ़ा दूंगा कि उससे कवर हो जाएंगे। अब गोल मैन सबने नहीं सुना होगा, ये आप लोग हम मानते हैं, ये आप लोगों का गलत हो सकता है, तो देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। गोल मैन निम्न में से किससे संबंधित हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शेष से भिन्न है। देखिए 3 एक जैसे दिए गए, एक भिन्न दिया गया है, वही भिन्न वाला आपको अलग कर देना है, कौन सा अलग है। देखिए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सीखने के लिए सीखने का सिद्धांत हो गया, समान अवयवों का सिद्धांत हो गया, और सामान्यीकरण का सिद्धांत हो गया, लेकिन ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन दिया गया ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, यही औरों से भिन्न है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है, यानी कि बौद्धिक स्थिति जो होती है, हम कोई चीज़ ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका सबसे लोएस्ट लेवल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट किया जाता है। आप लोग ज्ञान, आप लोग सीखना प्रारंभ करते हैं कहाँ से प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, तभी तो एक एक करके एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे, तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये किसका उदाहरण है। देखिए अधिगम अंतरण आपको पढ़ाया था, उसके अंतर्गत उसके अलग अलग भाग पढ़ाए थे, तो उसमें आपको क्षैतिज ऊर्ध्व द्विपार्श्विक ये सभी पढ़ाए गए थे, पार्श्विक द्विपार्श्विक ये सभी चीज़ें पढ़ाई गई थी। तो इसमें आपको बताना कि कोई बालक है वो साइकिल सीख चुका है, अब मोटरसाइकिल सीख रहा है, तो वो किस प्रकार के अंतर्गत आएगा, ऊर्ध्व अधिगम के अंतर्गत आएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो इनमें से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, जल्दी बताइएगा। अधिगम पठार पहला ही क्वेश्चन था आपका, देखिए अधिगम अंतरण अधिगम पठार से आप तक ये आपका 3रा क्वेश्चन है, ये टॉपिक भी जल्दी ही आपका कवर कर देंगे हम लोग। तो अधिगम पठार यानी कि जब सीखने की गति आपकी रुक जाए, ऐसा कौन सा आपको दिख रहा है, विद्यालय का असहयोग, ये इसका कारण नहीं होता है। इसके बाद प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा यानी कि थक गए हैं आप, या तो आपको मोटिवेशन कम मिल रहा है, या ज्ञान की लेवल पर आप पहुंच गए हैं, बी नंबर ऑप्शन है, वो इसका कारण नहीं है। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि हाँ पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखे, कथन भी आ गया आपका, कथन की क्लासेस चल रही हैं, एक पार्ट मैंने कल दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो ये अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो अधिगम अनुभव और जो प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वह किसने कहा था, किसने बताया था, अधिगम कहा जाता है अनुभव और प्रशिक्षण में परिवर्तन को, तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन है, गेट्स का कथन है, गेट्स व अन्य दिया गया है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है वो किससे संबंधित है। स्टैनफोर्ड विनय लिया गया है नाम, आप लोग समझ जाइए किससे संबंधित है। विनय ने कौन किसके बारे में सबसे ज़्यादा बात की है, विनय का नाम आपने और कहीं नहीं सुना होगा, बुद्धि में सुना होगा, और बुद्धि इनसे ही शुरू होती है,
इन्होंने ही बुद्धि प्रारंभ की एक तरीके से कह सकते हैं। आपके बाल विकास की अगर बात करें तो ये आपके हो गए अल्फ्रेड विने और स्टैनफोर्ड। इनका परीक्षण जो बुद्धि पर आधारित है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है व्यक्तित्व पर आधारित एक क्वेश्चन, निश्चित मान के चलिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व और उभयमुखी व्यक्तित्व, इसका वर्गीकरण किसने किया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता जो सामने आपको दिख रहा है, भले ही दूसरे तरीके से दे दिया जाए। तो जल्दी बताइएगा, युंग, यहाँ देखिए जुंग दे दिया गया, कहीं आपको युंग मिलेगा कहीं यंग मिलेगा, वही आपको आंसर चूज करना है। तीन प्रकार बताए थे इन्होंने, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कहीं कहीं आपको चार मिलते हैं, कहीं कहीं दो मिलते हैं। नाम याद रखिएगा, ये दो तो होंगे ही निश्चित, तीसरा हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास की बात हो रही दोस्तों, यानी कि समाज में बालक जा रहा है और उसकी क्या परिस्थितियां हो सकती हैं जिससे उसका सामाजिक जीवन जो होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। जल्दी से बताइएगा क्या क्या हो सकता है। तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, तो सामाजिक परिवेश से संबंधित जो तत्व होंगे वो उसको कारक को प्रभावित करेंगे। तो सीधी सी बात है यही वाला सबसे सूटेबल दिख रहा है आपको, हालांकि आर्थिक भी हो सकता है, लेकिन सबसे सूटेबल कौन सा दिख रहा है, बी नंबर दिख रहा है, तो यही सही हो जाएगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। जल्दी बताइएगा, चारों नियम आपके सामने दिए गए, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है। देखिएगा चारों ऑप्शन और चूज करिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका 18 नंबर क्वेश्चन है द्रुतगामी विकास का नियम, ये सबसे सही है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक तरीके से कह सकते हैं वृद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत शारीरिक विकास जो होता है उसी को तो वृद्धि कहते हैं। मैंने सीटेट के अंतर्गत आपकी अलग से क्लासेस चलाई थी जिसमें पूरे ऑल चैप्टर्स क्लियर कर दिए थे, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा पिछली क्लासेस को। यूपी टेट सीटेट दोनों के लिए ही वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास के तीन सिद्धांत हैं, एक नहीं है, 100% मानिए क्वेश्चन आपको विकास के सिद्धांत पर आधारित जरूर मिलेगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपने सुना है कभी, नहीं सुना है। इसके अलावा निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास कैसा है, निरंतर चलता रहता है, बिना रुके चलता रहता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये सभी विकास के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से समझिएगा आंसर करिएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएँ नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं, यह कथन किसका। देखिए दूसरा कथन आ चुका है, लगभग चार आपके सिद्धांत आ चुके हैं, दो कथन आ चुके हैं, तीन क्वेश्चन आपके अधिगम अंतरण से संबंधित आ चुके हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका ए नंबर ऑप्शन है गैसेल का कथन है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने इसके बारे में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी आपके सभी क्वेश्चन किए दे रहे हैं, करवाए दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। देखिए क्वेश्चन भी जितने बार प्रैक्टिस सेट होते हैं क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि यूपी टेट के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मोस्ट प्रश्न जो होते हैं उनमें इसका भी स्थान है। क्या क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। अब आपका आ जाए मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है, उसे कितने भागों में विभाजित किया है, मूल प्रवृत्तियों के अनुसार संवेग कितने बताए गए हैं, इसका आंसर होगा 14। किसने बताया, मैकडूगल ने बताए हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत इन्होंने दिया था मैकडूगल ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ध्यान होता है, अवधान ध्यान दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, कंसंट्रेशन, यह कथन किसका है, जल्दी से बताइएगा। यानी कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर अपना जो ध्यान होता है वो केंद्रित करना कोई, तो ये कथन किसका है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए बी नंबर ऑप्शन है रॉस का कथन है, याद कर लीजिएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में से शामिल नहीं है। तो इनमें से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में से शामिल नहीं है। देखिए ये भी अभी पिछले ही प्रैक्टिस सेट में कराया था, थॉर्नडाइक के ने दिए थे सीखने के मुख्य नियम, कौन कौन से बताए थे, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, बहु अनुक्रिया का नियम इनके गौड़ नियम के अंतर्गत आता है, मुख्य नियम में नहीं आता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, और पूछा क्या गया था, मुख्य नियम। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपके सिद्धांत पर आधारित अलग से,
याद कर लीजिएगा, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसीलिए पूरी एक अलग से सीरीज चला दिए 250 सिद्धांत और आपके जो नियम हैं उन पर आधारित। जरूर देखते रहिएगा, एक पार्ट आ चुका है, आगे का पार्ट आपको कल या परसों में मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर एस जलोटा ने जो परीक्षण प्रारंभ किया उसका क्या नाम था, जल्दी से टिक करिए आप लोग। सेकंड नंबर ऑप्शन है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, सीधे सीधे आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण एस जलोटा ने प्रारंभ किया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए सीटेट में जब क्वेश्चन आता है तो घुमाकर आता है, यूपी टेट में जब भी क्वेश्चन आएगा सीधे आपको सिद्धांत का नाम बताना होगा या उसके प्रतिपादक का नाम बताना होगा। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, सभी को याद होगा किसने, स्पीयरमैन ने दिया था। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीयरमैन का सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। पिछली क्लासेस जरूर देखते रहिएगा, एक क्लास आपको दोपहर में मिलेगी, उसमें आज आपकी हिंदी की पत्रिकाएं कराई जाएंगी। हिंदी के 4 पार्ट के अंतर्गत आपकी रचनाएं पूरी करा दी गई थी। पत्रिकाएं अभी तक मुझे नहीं लगता आपने पढ़ी होंगी, पूछी जरूर जाती हैं। तो पत्रिकाओं का एक पार्ट अलग से दिए दे रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जो इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं होंगी उतनी ही याद करनी पड़ेंगी आपको। इसके बाद डेली शाम को 5 बजे लाइव क्लास होती है, ज़रूर जुड़ते रहिएगा, करेक्ट 5 बजे आ जाया करिए। सीधे चैनल पर जाइए, वहाँ से सीधे आप जुड़ सकते हैं 5 बजे। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है और इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सफलता मंत्र नाम से। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये देखिए आपको कुछ सिद्धांत दिए गए, उनके प्रतिपादक दिए गए, लेकिन कौन सा गलत दिया गया ये आपको बताना है। जल्दी देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन आपका सामने है। तो इसका देखिए पहला आपने पढ़ा है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूति का सिद्धांत अभी ऊपर आया था, V.F. स्किनर ने दिया, ये भी सही है। क्लासिकल अनुबंधन भी इसे कहते हैं, क्लासिकल सिद्धांत भी कहते हैं, पावलक ने दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, याद होगा आपको। ये तीनों सही हैं, यानी कि आपका गलत कौन सा हो गया, डी नंबर गलत हो गया। सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया था, हल ने प्रबलन का या पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था, याद करते रहिएगा। साथ में ही पूरी आपको डिटेल के साथ बताए दे रहे हैं इसी वजह से। 27 नंबर क्वेश्चन है, सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, इनमें से किसका नाम है सृजन शास्त्र के पिता के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जल्दी बताइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन एंड में पहुंच गए हैं, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन है गाल्टन, इन्हें सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, इनका नाम इनसे जुड़ा हुआ है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पर, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। तो दोस्तों ग्रंथियों के आधार पर किसने बताया था, याद है आप लोगों को या नहीं याद है, व्यक्तित्व पर आधारित भी ये दूसरा क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। तो क्रेचमर कह लें या क्रेशमर कह लें, इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया, वर्गीकरण किया है। व्यक्तित्व टॉपिक वैसे मैं आपको सीटेट के अंतर्गत पढ़ा चुका हूँ, उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, सभी चैप्टर आपके पूरी व्याख्या के साथ और प्रैक्टिस सेट के साथ दिए गए हैं, और इसके अलावा अभी आपको आगे फिर से पढ़ाएंगे हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्रिएटिविटी की बात हो रही है दोस्तों, तो ये कथन किसका, इसे आप याद कर सकते हैं। सृजनात्मकता और मौलिकता जिसके अंतर्गत आए उसका आपका देखिए डी नंबर ऑप्शन क्रो एंड क्रो का कथन हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्रो एंड क्रो के सभी कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब अंतिम क्वेश्चन है, इसके पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना, चलिए पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं फिर आपको 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको बताना है बाल्यावस्था की अवधि कब से कब तक होती है। अधिक से अधिक संख्या में अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें, और आज के 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए ये भी ज़रूर बताइएगा। तो विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति बालक में किस अवस्था में आती है,
जिसे जटिल अवस्था कहा जाता है, विद्रोह की अवस्था कहा जाता है, आपस में विरोध उत्पन्न होने लगता है, एग्रेसिवनेस आ जाती है, वो कौन सी अवस्था होती है? याद आ गया होगा आपको, मध्य किशोरावस्था, डी नंबर ऑप्शन। इस मध्य किशोरावस्था में बालक जो होता है वो एक तरीके से उसके अंदर एग्रेसिवनेस आने लगती है और वो अपने को सुपर समझने लगता है, तो विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों आज के आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बाल विकास के जो 2017 का पेपर फर्स्ट जो आया था वो आपके सामने है, देखिएगा, समझिएगा और बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। इसके अलावा जो टॉपिक इसमें आए हैं वो अगर कोई भी टॉपिक आपका पढ़ा हुआ ना हो कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक पर अलग से मैं क्लास लेकर आऊँगा। वैसे सभी क्लासेज आपकी एक एक करके अलग से कराई जा रही हैं, तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए और डेली तीनों क्लासेस को ज़रूर देखते रहिए। जल्दी आपको इसका तीसरा हिंदी का पार्ट, मैथ का पार्ट और इंग्लिश संस्कृत के पार्ट भी देखने को मिलेंगे, तो जुड़े रहिए, एक एक चीज़ को समझते रहिए। अगर आज की क्लास पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना मत भूलें, जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें, इसे अधिक से अधिक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। लाइव क्लास 5 बजे होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।